बटन दबा गाना लगा थैंक यू सो मच और आपके इतनी सारी प्यारी विशेष के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने फैमिली के साथ कर रही हूँ। मैं एनजीओ के मेरे जो 60 बच्चे एचआईवी के मैंने गोद लिए हैं उनके साथ केक कट करने जाने वाली हूँ और अभी इसके बाद और हॉस्पिटल जाने वाली हूँ मैं सबको मिलने और तुम लोगों के सबके साथ बर्थडे मना रही हूँ। बस यही मेरा प्लान है। मैम जिस तरह से अगर बात करें कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के बीच आपने सेलिब्रेट किया है तो आपको कितना खुशी हो रही है, क्या कहना? देखिए पूरे 1.5 साल के बाद मैं फर्स्ट इतने सारे लोगों को मिल रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम नॉर्मल हो रहे हैं धीरे धीरे और ये नॉर्मल होते होते थोड़ी बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छे से और नहीं मना रही हूँ, कुछ कम ही लोग आए हैं क्योंकि हमको प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है। ऐसे मैम आज से आज आपका बर्थडे भी है और आप किस तरह से नई जिंदगी का शुरुआत कर रही हैं, आज से क्या कहना चाहेंगी? देखिए मेरा बर्थडे है ये मुझे बहुत खुशी है, लेकिन अब के मैं नई जिंदगी की शुरुआत और भी फिट रह के करूँगी क्योंकि अगर हमने कोरोना में ये सीखा है कि अगर आप अंदर से फिट नहीं हो, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है मैं बहुत हेल्थ पे ध्यान रखूँगी, यही मैं। कोरोना काल भी चल रहा है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल चल रहा है, मैं जनता को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपना सबका ख्याल रखो। हमारा लॉकडाउन कम हो गया है, थर्ड वेव आने को है ऐसा सब कुछ कह रहे हैं, मगर ये सारी चीज़ें लोग बाहर भी निकल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड चला गया है। हमको अभी भी सावधानी की ज़रूरत है, मास्क की ज़रूरत है। तो लाइफ की सारी खुशियाँ मिले और हम हमेशा साथ रहें। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर बर्थडे। थैंक यू।